सो हे गेमर्स, क्या हाल चाल है सभी के। और फाइनली हमारे इन गेम के अंदर न्यू मिस्ट्री शॉप आ चुका है, जहां पर हमें पूरे 90% तक का ऑफ दिया जा रहा है। तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग अपना लक देख लेते हैं, भाई मेरे लक के अंदर कितना परसेंटेज है। तो ट्राई योर लक पे क्लिक करते हैं एंड गाइस यहाँ पर हमारा ड्रॉइंग हो रहा है। अभी गाइस यहाँ पर हम लोग स्टॉप पे क्लिक करते हैं एंड गाइस देखते हैं भाई कितना परसेंट। ओके गाइस 65%, मतलब यार मेरा नसीब हमेशा से खराब रहता है एंड गाइस इस बार ना मुझे 65% का ऑफ मिला है। अभी गाइस यार हम लोग चलते हैं इस वाले इवेंट के अंदर, मतलब कि इसके अंदर चले आते हैं। गाइस हम लोग देख लेते हैं इस वाले मिस्ट्री शॉप के अंदर हमें कौन कौन से रिवॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को मिलेगा जस्टिन बीबर का एक बंडल, जो कि यार अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। वैसे गाइस इसका जो कैरेक्टर है वो हमें बिल्कुल ही फ्री में हीरोज कैप्सूल इवेंट के अंदर से मिलने वाला है। और गाइस ये जो बंडल है वो आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिलेगा, मतलब जस्टिन बीबर का जो बंडल है वो आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। बंडल कुछ इस टाइप का, अभी आप लोग फुल बंडल का रिव्यू देख लो, उतना कुछ खास नहीं बोल सकते। वैसे गाइस ये जो बंडल है वो आप लोग सिर्फ कैरेक्टर के साथ ही पहन सकते हो, तो बंडल नॉर्मल सा है। उसी के बाद आप लोगों को एक फीमेल का बंडल देखने को मिलेगा, फीमेल का बंडल यहाँ पर मैंने डाउनलोड नहीं किया तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। उसके बाद गाइस यार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये वाला एक गन का स्किन, ये एक ट्रीटमेंट स्नाइपर है। और गाइस इसके अंदर आप लोगों को एट्रीब्यूट्स भी देखने को मिल जाएंगे, साथ साथ गाइस आप लोगों को एक रैपर का मास्क देखने को मिलने वाला है। और गाइस मुझे लगता है ना कि भाई गरीना वालों ने इस मास्क को जबरदस्ती मिस्ट्री शॉप के अंदर डाल दिया है, क्योंकि यार इसका एक पूरा बंडल ही है रैपर वर्ल्ड बंडल। आप लोगों को पता होगा इनक्यूबेटर के अंदर हमारे गेम के अंदर आया था, तो गाइस उसका मास्क यहाँ पर अलग से गरीना वालों ने मिस्ट्री शॉप के अंदर डाला है। उसी के साथ साथ गाइस आप लोगों को रॉकी पेट देखने को मिल जाएगा एंड गाइस एक बाइक की स्किन है, जो कि दिखने में बहुत ज्यादा लंबारी टाइप का लगता है भैया, मतलब बहुत बढ़िया लगता है। साथ साथ गाइस यहां पर आप लोगों को एक सरबोट का स्किन देखने को मिलने वाला है एंड गाइस एक मकड़ी का बैकपैक देखने को मिलेगा, जो कि यार बहुत ज्यादा भद्दा भारी और लंबा चौड़ा लगता है, जो कि यार मैं बिल्कुल भी अच्छा मुझे नहीं लगता अच्छा, ठीक है। बाकी यार साथ साथ आप लोग यहां पर पेट का स्किन है और उसी के साथ साथ गाइस यहां पर ईवो टोकन का बॉक्सेस दिए जा रहे हैं एंड साथ साथ यहां पर आप लोगों को देखने को मिलने वाला है एक नेम चेंज कार्ड, ठीक है, जो कि यार हर मिस्ट्री शॉप के अंदर हमें देखने को मिल ही जाता है। अब गाइस देखो ये जो रिवॉर्ड्स है वो गाइस नॉर्मल से, उसके बाद गाइस यहां पर हमें स्विच करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि यार हम लोग 10 डायमंड में स्विच कर सकते हैं। तो फटाफट से यहां पर हम लोग स्विच कर लेते हैं एंड गाइस स्विच, चलो गाइस यहां पर मैंने 10 डायमंड दे दिया है। और गाइस ये मैं क्या देख रहा हूं भाई, इसके अंदर आप लोगों को इलाइट पास भी डिस्काउंट में मिलेगा। गाइस देखो हर प्लेयर का सपना होता है, जो नो टॉप अप प्लेयर रहते हैं ना उनका सपना होता है कि भाई मिस्ट्री शॉप आ जाए उसके अंदर इलाइट पास डिस्काउंट में मिल जाए, ठीक है। सो यार इस बार आप लोगों को मिलने वाला है एंड गाइस देखो यहां पर मुझे 65% का ऑफ मिला है, तो मुझे यहां पर 174 डायमंड में इलाइट पास मिल रहा है। लेकिन हां अगर आप लोगों को 90% तक का ऑफ मिल सकता है, मिल जाता है, तो गाइस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 49 डायमंड के अंदर इलाइट पास मिल जाएगा, मतलब 50 डायमंड के अंदर आपको इलाइट पास मिल जाएगा, जो कि यार बहुत अच्छी बात है। तो गाइस सर ये जो इलाइट पास है वो आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ साथ गाइस यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है एक बंडल, जो कि यार एक मेल का बंडल है। वैसे बंडल लगभग कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड गाइस बंडल दिखने में ठीक ठाक सा लग रहा है, मतलब थोड़ा सा छपरी लुक दे रहा है मुझे पता है ये वाला बाल, बाकी यार बंडल नॉर्मली ठीक ठाक सा है। आप लोगों को ये वाला मेल का बंडल कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। साथ साथ गाइस एक और बंडल है जो कि यार ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर बहुत पहले आ चुका था। साथ साथ गाइस यहां पर आप लोगों को एक एसवीडी का गन स्किन देखने को मिलेगा एंड गाइस एक स्कार्फ का स्किन भी देखने को मिल रहा है। ये वाला स्कार्फ मेरे पास ऑलरेडी पहले से है तो इसे तो मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन हां स्कार्फ दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया। अगर आप लोगों के पास एक भी स्कार्फ नहीं है तो आप लोग इसे निकाल सकते हो मिस्ट्री शॉप के अंदर से। साथ ही साथ गाइस यहां पर आप लोगों को यहां पर कुछ वॉचेस वगैरह देखने को मिलते हैं एंड गाइस एक और बैकपैक यहां पर डाला गया है, जो कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बैकपैक भी बहुत ज्यादा बड़ा सा लगता है, मतलब पापा का परा जैसा लगता है, ठीक है। अगर आप लोग लड़की हो तो पापा की परी हो गई एंड गाइस उसके बाद यहां पर आप लोग को और भी पेट का स्किन देखने को मिलता है। भाई गरीना वालों ने मिस्ट्री शॉप के अंदर सिर्फ पेट और पेट का स्किन ही भर दिया भाई, अभी तक मुझे ना 6-7 पेट का स्किन या फिर पेट मिला जुला कर मिल चुका है, ठीक है अभी तक एंड गाइस। उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को एक सरबोट का स्किन देखने को मिलता है, जो कि यार बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, हल्का सा इफेक्ट डाला गया है। उसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को एक मॉन्स्टर का स्किन देखने को मिलता है, वैसे यार ये भी एडजस्ट करके ही डाला गया है, क्योंकि यार इसके अंदर उतना कुछ खास एनिमेशन नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं था मिस्ट्री शॉप के अंदर, लेकिन यार गरीना वालों ने डाल दिया क्योंकि यार और कोई रिवॉर्ड उन्हें मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि यार उन्हें तो यार घटिया रिवॉर्ड ही देना है। बाकी यार यहां पर आप लोगों को ईवो गन का टोकन का बॉक्स मिलेगा, ठीक है। गाइस इतने सारे रिवॉर्ड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं मिस्ट्री शॉप के अंदर, तो आप लोगों को ये वाला मिस्ट्री शॉप कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और गाइस अगर आप लोगों को ये वाला मिस्ट्री शॉप आपके गेम के अंदर शो नहीं हो रहा है तो फिलहाल आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि यार ये जो मिस्ट्री शॉप है वो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 27 अगस्त को आने वाले है। और ये मैं आप लोगों को जो मिस्ट्री शॉप दिखा रहा हूं ये हमारे बांग्लादेश सर्वर का है एंड गाइस आप लोगों को पता होगा बांग्लादेश सर्वर के अंदर जो भी रिवॉर्ड्स आते हैं वो लगभग 95% हमारे इंडियन सर्वर के अंदर ही आते हैं। तो गाइस मिस्ट्री शॉप तो ये 100% कंफर्म है कि हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 27 अगस्त को आएगा, क्योंकि 27 अगस्त को 5th एनिवर्सरी इवेंट का पिक डे है, तो 27 अगस्त को हमारे गेम के अंदर फाइनली मिस्ट्री शॉप आने वाला है। लेकिन यार रिवॉर्ड्स के अंदर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, मतलब थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन यार थोड़े मोड़े चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इस वाले मिस्ट्री शॉप के अंदर मैं कुछ भी परचेज नहीं करने वाला, क्योंकि यार ये मेरे बांग्लादेश सर्वर की आईडी है और भाई बांग्लादेश सर्वर के अंदर तो मैं खेलता नहीं हूं, तो यहां पर डायमंड्स बर्बाद करने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। वैसे गाइस यहां पर मैंने सिर्फ 100 डायमंड का टॉप अप किया था, आप लोग के लिए
मैंने 80 रुपये बर्बाद कर दिए सिर्फ स्विच करने के लिए। यहाँ पर 10 डायमंड मांगा जा रहा था स्विच करने के लिए, इस वजह से मैंने यहाँ पर 100 डायमंड का टॉपअप कर लिया है कि भाई मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि इसके अंदर आप लोगों को इलाइट पास भी देखने को मिलेगा और इतने सारे रिवॉर्ड्स देखने को मिलने वाले, जो कि यार फाइनली मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और गाइस हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, कल हमारे गेम के अंदर अगर मिस्ट्री शॉप का बैनर नहीं आता है तो आप लोगों को एक बार हाइड आउट वाला जो इवेंट है वो चेक कर लेना है, क्योंकि यार कभी कभी गरीना वाले ना डायरेक्ट हाइड आउट वाले इवेंट के अंदर मिस्ट्री शॉप का डिस्काउंट इवेंट दे देते हैं। जैसे कि पिछली बार भी यहाँ पर हाइड आउट वाले इवेंट के अंदर मिस्ट्री शॉप आ गया था लेकिन उसका बैनर वगैरह नहीं आया था, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ एक बार हाइड आउट वाला इवेंट चेक कर लेना जिसके अंदर आप लोगों को मिस्ट्री शॉप का डिस्काउंट इवेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को मिस्ट्री शॉप के बारे में तो बता ही दिया, साथ साथ गाइस हमारे गेम के अंदर एक न्यू टॉपअप इवेंट आया। वैसे गाइस ये जो टॉप इवेंट है वो हमारे गेम के अंदर कल ही आया था लेकिन भाई कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यार कल कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता ही दूं, ये जो टोकन अभी आप लोग देख रहे हो ये हमारा M1887 गन स्किन का है, और अगर आप लोग यहां पर पूरे 500 डायमंड का टॉपअप करते हो तो गाइस यहां पर आप लोगों को पूरे 210 यहां पर ईवो टोकन मिल जाएंगे, जिससे यार आप लोग M1887 स्किन को लेवल 4 तक ले जा सकते हो, ठीक है। और गाइस इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो भी अनलॉक हो जाएगा, जैसे कि भी आप लोग देख पा रहे हो मैंने ऑलरेडी लेवल 4 का कर रखा है। तो अगर आप लोग 500 डायमंड का टॉपअप करोगे तो यहां पर आप लोग 210 यहां पर ईवो टोकन मिल जाएंगे, जिससे यार आप लोग लेवल 4 तक का कर सकते हो अगर आप लोग पास ये वाला शॉटगन ऑलरेडी अनलॉक है तब, ठीक है। वैसे गाइस मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि यार आप लोग यहां पर 500 डायमंड का टॉपअप करो, क्योंकि यार अभी ना फ्री फायर मैक्स के लाले लगने वाले, क्योंकि यार देखो अभी ना बहुत ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल चल रहा है। अभी फ्री फायर मैक्स भी बैन और अनबैन को लेकर काफी ज्यादा यहां पर चर्चे में चल रही है। एंड गाइस फिलहाल अगर मेरी पूछो तो यार मैं भी फुल्ली तरीके से कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकता कि हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो बैन होगा या फिर अनबैन। फिलहाल गाइस देखो ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है, इस वजह से मैं अभी कुछ भी आप लोगों को नहीं बता सकता। फिलहाल गाइस ये अफवाह फैल रहा है कि भाई हाँ हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो 27 अगस्त को बैन हो जाएगा, लेकिन गाइस मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई कल हमारा जो फ्री फायर मैक्स है वो बैन हो जाएगा, क्योंकि यार कल तो 5th एनिवर्सरी का पिक डे है, तो गाइस कल तो बैन नहीं होना चाहिए। हाँ हो सकता है 1 मंथ बाद बैन हो जाए या फिर 15 दिनों के बाद बैन हो, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि फिलहाल ये गरीना फ्री फायर मैक्स बैन होने वाला है। बाकी यार आप लोग क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। तो फाइनली गाइस मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो बस यार आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।